उत्तर प्रदेश के कानपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा किनारे की जा रही खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग निकला है। इस शिवलिंग को देखकर हर किसी ने हाथ जोड़ लिए। ये शिवलिंग कानपुर में कोल घाट पर चल रही खुदाई के दौरान निकला है। बता दें कि खुदाई करने वाले श्रमिकों ने शिवलिंग देखते ही हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। खुदाई कर रहे लोगों ने दावा किया है कि शिवलिंग 13 मीटर की खुदाई करने के बाद प्राप्त हुआ है। इस शिवलिंग को देखते ही इसे शिव मंदिर में रख दिया गया। ईश्वरीय चमत्कार मानकर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। मामला कानपुर के कोल घाट का है, जहां खुदाई करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि अचानक जेसीबी धसने पर खटखट की आवाज आई। कुछ ही देर में मशीन के साथ शिवलिंग बाहर आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिवलिंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि यह साक्षात भगवान का ही चेहरा है। फिलहाल धरती के गर्भ से निकले शिवलिंग के दर्शन करने आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को नहीं दी है। इस शिवलिंग की विशेष बात यह है कि इस पर एक विशेष आकृति बनी है।